नेचर फॉरएवर सोसाइटी आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपको लार्ज बर्ड नेस्ट बॉक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके बेसिक फीचर्स क्या है उसके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं वीडियो के थ्रू। ये एक नेस्ट बॉक्स है जिसमें पिजन्स और आउलेट्स नेस्ट करते हैं। बेसिकली जो छोटे आउलेट्स रहते हैं उनको इनक्रेज करते हैं नेस्टिंग के लिए और पिजन्स के लिए। पिजन्स में यानी स्पॉटेड डव्स भी इसमें नेस्ट कर सकते हैं। इसका विथ है फ्रॉम दिस पॉइंट इट समवेयर 14 इंच का है। ये हाइट में 15 इंच है इधर तक और ये डेप्थ में है, अंदर डेप्थ है उसका 9 इंचेस। तो ये आइडियल है कि आप एक बालकनी में, विंडो ग्रिल में या फिर आपके गार्डन में पेड़ इस पे लगा सकते हैं। तो ये बर्ड्स एनकरेज करेगी इसमें नेस्टिंग के लिए। इसका मेन फीचर है ये, इसके बैक आप ये इधर से लगता है, ये दो अटैचमेंट दिए हुए हैं ऐसे लगते हैं। जब आपको आएगा तो ये इस फॉर्म में नहीं रहेगी, ये अटैचमेंट आपको लगानी पड़ेगी। तो आपको ये इस तरह से आएगा, कुछ ये स्क्रू यहाँ होगा और ये अटैचमेंट ऐसी होगी। आपको सिर्फ ये स्क्रू निकालना है, ये अटैचमेंट ऐसी घूम जाएगी, इसको ये स्क्रू होल से मैच करके ये आपका स्क्रू फिट हो जाएगा। दोनों इस तरह से लगेगी। ये अटैचमेंट आपको हेल्प करेगी कि आप ये वॉल पे, आपके गार्डन में या पेड़ पे लगा रहे हो तो इसके थ्रू आप नेल कर सकते हो या इसको बांध सकते हो। इट हेल्प्स इन अटैचिंग द नेस्ट बॉक्स टू द वॉल। द मेन इम्पॉर्टेंट सिर्फ एक ही चीज़ है आपको ध्यान में रखनी कि ये जब नेस्ट बॉक्स लगाओ आप तो ये हिलना नहीं चाहिए, इट शुड बी स्टेबल। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने ये लगाया हुआ है ऐसा और वो ऐसा मूव हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेस्ट बॉक्स एकदम स्टेबल रहना चाहिए, कोई भी हिसाब से हिलना नहीं चाहिए। और ये कोई भी ऐसी जगह पे नहीं चाहिए जहाँ कैट्स, डॉग्स ये नेस्ट बॉक्स को एक्सेस कर सके, क्योंकि जब वो लोग एक प्रीडेटर हो जाते हैं वो जो यंगर वंस होते या बच्चे रहते उसको अटैक कर सकते हैं। तो मेक श्योर ये वो जगह पे ना हो। और ये पानी गिरेगा इस पर तभी भी इसको कुछ नहीं होगा, बिकॉज इसके बेस में ड्रेनेज होल्स दिए हुए हैं। तो जो भी पानी रहेगा ये ड्रेनेज होल्स में से निकल जाएगा। ये है ड्रेनेज होल्स, इधर दिए हुए हैं 5 ड्रेनेज होल्स दिए हुए हैं इसके बेस में। तो ये ड्रेनेज होल्स में से पानी निकल जाएगा। तो आप इसको आराम से पेड़ पौधे पे लगा सकते हो, जहाँ हिसाब से लगा सकते हो, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू।